जहां चारों तरफ कोरोना का साया है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी रूप में लोगों के अंदर सकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच फारविसगंज के कुछ लड़के और लड़कियों ने मिलकर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो कोरोना काल में लोगों के बीच जोश भरने का काम कर रहा है। मुस्कुराएगा इंडिया थीम का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए ये लड़के लड़कियां सभी जहां जोश में लोगों में जोश भर रहे हैं, वहीं कोरोना से लड़ाई में सरकार का साथ देने की भी अपील कर रहे हैं। जहां पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है, कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, ऐसे में छपरा में लोक कलाकार आरती मौर्य ने गाने के माध्यम से सरकार को आईना दिखाया और सरकार को अपनी व्यथा सुनाई। कैसे सगर ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगर ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे कि नहीं खे तनिको बुझात का बारिजन भैया, कैसे सगर ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगर ओराइल ऑक्सीजन भैया। मर ताड़े लोग डहक तक। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के कहर की, जो अभी भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 14,794 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आए, जहां पर 2,681 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी समेत 13 जिलों में कोरोना के नए केस ज्यादा सामने आए हैं, जिनमें से गया में 767, वैशाली में 637, नालंदा में 618, जमुई में 538, औरंगाबाद में 534 केस सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम चंपारण में 516 है, समस्तीपुर में 498, बेगूसराय में 462, मुजफ्फरपुर में 461, सारण में 457 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बात कर लें भागलपुर की, भागलपुर में 417 और मधुबनी में 411 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के कहर को कम करने और संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने कड़ा फैसला लिया।